हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज मेंसुरेशन। तो देखिए मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन मींस मीजरमेंट। तो देखिए ज्योमेट्री में जो फिगर्स होती हैं उनका जब हम मीजरमेंट करते तो क्या कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। तो देखिए जो फिगर्स होती हैं उनका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हम लेंथ, हाइट, पैरामीटर एंड एरिया ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पैरामीटर एंड एरिया इनके बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि ये प्लेन फिगर दी हुई है, अगर हमें इसकी जो बाउंड्री दी हुई है, क्लियर, इस बाउंड्री की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट एरिया। अब एरिया क्या होता है, जैसे कि देखिए ये जो फिगर है, अब इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है अगर हमें उसका मेजरमेंट करना है तो वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। इट मीन्स कि यदि कोई फिगर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम ये फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। प्रीवियस क्लास में हमको शेप और उनके एरिया एंड पैरामीटर के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम एक बार उनका रिवाइज करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड पैरामीटर क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। पैरामीटर क्या होगा, फोर इंटू साइड। ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। यहाँ बी क्या है, बेस, और एच क्या है, हाइट। पैरामीटर क्या होता है, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। एस वन एस टू एस थ्री क्या है, साइड। इट मीन्स अगर हमें ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो जो उसकी साइड है हम उनका सम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, रेडियस, क्लियर। पैरामीटर क्या होता है सर्कल का, टू पाई आर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। पैरामीटर क्या होता है, टू इंटू एस प्लस बी। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड, और पैरामीटर क्या होता है, थ्री इंटू ए। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड करस्पोंडिंग बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए गिवन क्या है, एरिया, एरिया कितना दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देखिए बेस क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ, 35, बी कितना है, 7, और एच हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एच इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 वन जा 7 एंड 7 फाइव जा 35, तो एच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, वट इज ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इट मीन्स ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ ये साइड दी हुई है ए डी एंड बी सी, तो ए डी पैरेलल बी सी, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्लियर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ ए और बी क्या है, इसकी पैरेलल साइड्स है, क्लियर। तो देखिए अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो देखिए गिवन क्या है, एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड्स क्या है, 6
6 cm एंड 8 cm एच जो है हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में ए प्लस बी. अब हम सभी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 42 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में 6 प्लस ए. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो डिवाइड में 2 है इस साइड आएगा तो 42 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एच इंटू 14, क्योंकि देखिए 6 प्लस 8 कितना होता है 14. अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो h इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 14. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 वन जा 14 एंड 14 थ्री जा 42 एंड 3 टू जा 6, तो h की वैल्यू क्या होगी 6 cm. ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट. अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड इज कॉल्ड अ पेंटागन, 6 साइड अ हेक्सागन एंड 8 साइड एन ऑक्टागन. क्लियर, इट मींस पॉलीगन जो एक सिंपल क्लोज फिगर है, जिस पॉलीगन की 5 साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, 6 साइड होती है तो हेक्सागन एंड 8 साइड होती है तो ऑक्टागन. तो देखिए अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग अ हेक्सागोनल फील्ड हैविंग ईच साइड इक्वल टू 4 meters एट द कॉस्ट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर. तो देखिए सबसे पहले फील्ड कैसी दी हुई है, हेक्सागोनल फील्ड है तो हेक्सागोनल बनाएंगे. तो हम इसे डिवाइड करते हैं किसमें, ट्रायंगल्स में. तो देखिए अ रेगुलर हेक्सागोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एज शोन, जैसे कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है. क्लियर, और ईच साइड कितने की दी हुई है, 4 meters की. देयरफॉर एरिया ऑफ द हेक्सागोनल फील्ड इज इक्वल टू 6 × एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल. इट मींस हेक्सागोनल फील्ड का जो एरिया है किसके इक्वल होगा, 6 × एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमने हेक्सागोनल को 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है. तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. और किससे मल्टीप्लाई करना था हमें, 6 से, तो यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. तो साइड कितनी दी हुई है 4, तो अब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × √3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर. तो देखिए 6 × √3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर कितना होता है, 16. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 × 4 एंड 4 × 4 = 16. अब √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी होती है, √3 की वैल्यू 1.732. तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 1.732 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 6 × 4 = 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1.732. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 41.568 मीटर स्क्वायर. इसे 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर होगा 41.57 मीटर स्क्वायर. तो एरिया क्या होगा हेक्सागोनल फील्ड का, 41.57 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द फील्ड एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 41.57. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 415.7. तो कॉस्ट क्या होगी, 415.7 रुपीज. ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके एंड थैंक यू.